नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनमोल आयुर्वेदा में। दोस्तों, बालों का पकना और बालों का सफ़ेद होना यह सब प्रदूषण के कारण होता है, या फिर अगर आप बहुत सारे तेलों का प्रयोग करते हैं, अपने बालों में लगाते हैं, तो इससे भी आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। अक्सर देखा जाता है आजकल के समय में जिनकी उम्र बहुत ही कम होती है, जो अभी 9 या फिर 10 क्लास में पढ़ते हैं, उस बच्चे का भी बाल सफ़ेद होने लगा है। तो दोस्तों, ज़्यादा इसके बारे में सोचने से भी आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो बालों का सफ़ेद होने का कोई भी कारण हो, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर आए हैं जिसका प्रयोग आपको सप्ताह में 2 बार करना है, और देखेंगे आपके बाल कुछ ही सप्ताह के भीतर ही बिल्कुल जड़ से काले हो जाएंगे। दोस्तों, बालों का सफ़ेद होना बहुत सारी समस्याओं को दर्शाता है, जैसा कि अगर हमारे पेट में कोई भी बीमारी हो, पेट में गैस बनता हो, कब्ज की समस्या होती है, तो उससे भी बाल सफ़ेद होते हैं। इसलिए अगर आपके पेट में गैस बनता हो, कब्ज की समस्या हो, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें, इसका इलाज करा लें, क्योंकि दोस्तों पेट से संबंधित बीमारियाँ होने की वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। इसके साथ साथ कहा भी जाता है कि पेट अगर खराब हो जाता है, पेट में बीमारियां होती है, तो सारे बीमारियों का जड़ होता है, वहीं से सब बीमारियों का उत्पत्ति होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको इसके बारे में सही से जानकारी मिल सके और आप अपने सफ़ेद बालों को काला कर पाएँ। और दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से हमारा मोटिवेशन ऑफ होता है, जिससे हम आपके लिए और भी वीडियो को लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बाजू में घंटे को दबा देंगे, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारियां मिलती रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए यहां पर लेना होगा ये दोस्तों अरंडी का तेल। अरंडी का तेल आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अरंडी का तेल हमारे बालों को झड़ने से रोकता है। देखिए, अरंडी का तेल आपको इस तरह से मार्केट में मिलेगा। तो रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर लीजिए 1 चम्मच की मात्रा में अरंडी का तेल। 2 चीज लेंगे सरसों का तेल। दोस्तों, सरसों के तेल में जिंक, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और सेलेनियम होता है। यह बालों को मिनरल्स प्रदान करता है, जिससे हमारे बाल सफ़ेद नहीं होते हैं और हमारे बाल झड़ते भी नहीं हैं। पुराने समय में लोग सिर्फ और सिर्फ ये सरसों का तेल ही अपने बालों में लगाया करते थे और उनके बाल बुढ़ापे तक भी सफ़ेद नहीं होते थे और उनके बाल झड़ते भी नहीं थे। तो अगर आपको शुद्ध सरसों का तेल मिलता है, तो वही तेल आप अपने बालों में लगाया करें। तो 1 चम्मच की मात्रा में आपने अगर ये अरंडी का तेल ले लिया है, तो यहाँ पर आप 2 चम्मच की मात्रा में सरसों का तेल लें। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लें और दोस्तों, इस तेल को आप आधे घंटे तक धूप में रख दें, जिससे यह तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए। और जब तेल गर्म हो जाए, तो आप इसका प्रयोग अपने बालों की जड़ों में कर लें, अपने बालों की जड़ों में लगाएं। इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बालों की जड़ों में ही लगानी है। हफ्ते में इसका प्रयोग 2 बार करें, और जब आप इस तेल का प्रयोग अपने बालों में करेंगे, तो कम से कम 45 मिनट इसे लगा करके रखिए, उसके बाद अपने बालों को शैम्पू से धो लीजिए। तो करके देखिए, आपके बाल काले हो जाएंगे और आपको संयम रखना पड़ेगा। आपके बाल 2-3 सप्ताह में काले होने वाले नहीं हैं, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कम से कम कुछ महीनों तक ज़रूर करें।